तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिससे कि यूजर नंबर एंटर करेगा और उसमें हमें काउंट करना है कि ये 1 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है, मतलब जिस भी नंबर को हम चाहें कि काउंट कराना वो कितनी बार आया है, इसके लिए हम प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे पहले तो जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो हमारे सामने सिनारियो क्रिएट होता है, ठीक है। तो हम प्रोग्राम किसका बनाने जा रहे हैं कि यूजर ने जो भी नंबर इंटर किया उसमें 1 कितनी बार आया है, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे यूजर को क्या मैसेज डिस्प्ले कराना होगा, एंटर द नंबर। अब इस नंबर को रिसीव करने के लिए, जैसे यूजर ने कोई नंबर एंटर किया तो उस नंबर को रिसीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग नंबर इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। आप देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमें पता है कि जो यूजर एंटर करेगा वो नंबर होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप क्यों लिया है, जो सी शार्प का ये कंसोल डॉट रीड लाइन मेथड है, ये क्या करता है, स्ट्रिंग वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, यानी जो ये रिटर्न करेगा मेथड, ये किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, जिसके कारण हमने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप लिया है और वेरिएबल का एक नाम क्या हमने दिया है, नंबर, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग टाइप रिटर्न करेगा, ठीक है, हमने स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया। अगर हम चाहते तो यहाँ पे नंबर इंट नंबर ले सकते थे और वहां पे फिर हमें क्या करना पड़ता, कन्वर्जन करना पड़ता, ठीक है, टाइप कास्टिंग करनी पड़ती एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में, ठीक है। अब देखिए, जो अगला स्टेप्स होगा, अगला स्टेप क्या होगा, एक ही काम को करने के कई तरीके होते हैं, ठीक। तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जो भी यूजर ने नंबर एंटर किया तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर ईच लूप लगा देते हैं, ठीक है, फॉर ईच लूप। और यहाँ पे कैर डिजिट इन नंबर, ठीक है, कैर डिजिट इन नंबर, यानी इस नंबर में से नंबर हमारे पास कितने होंगे, नंबर में कितनी डिजिट हो सकती है, एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, आई डोंट नो, ठीक है, हमें नहीं पता कि उस नंबर में कितनी डिजिट हो सकती है, ठीक है। कैर क्या है, एक डेटा टाइप है जो कि केवल और केवल कैरेक्टर को एक्सेप्ट करता है, और हमने वेरिएबल बनाया डिजिट, यानी कैर टाइप का हमने एक वेरिएबल बनाया जो कि इस नंबर में से 1 by 1 निकाल के हमें देगा, ठीक। अब देखिए, अब जब देगा तो हम क्या करते हैं, एक इंट काउंट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं और इसको 0 असाइन कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, इफ हमें क्या काउंट करना है, इफ डिजिट इक्वल्स इक्वल्स 1, ठीक है। अब चूंकि कंपेरिजन हमें किससे करवाना है, कैरेक्टर से, क्योंकि हमारे पास डेटा टाइप डिजिट में क्या आ रहा है, कैरेक्टर आ रहा है। तो इफ डिजिट इक्वल्स इक्वल्स 1, यदि जैसे ही 1 होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। ये कौन सा इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। यदि प्लस वेरिएबल के बाद लगता है तो इसको हम पोस्ट इंक्रीमेंट करते हैं कहते हैं, यदि काउंट के पहले लग जाता तो इसको हम प्री इंक्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही काउंट प्लस प्लस होगा तो उसके बाद हम काउंट को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे ही हमारा लूप खत्म होगा, जैसे फॉर इच लूप खत्म होगा, तो लूप खत्म होने के बाद हम क्या, यूजर को मैसेज हमें दिखाना पड़ेगा, इसलिए कि यूजर पूछ रहा है, उसी के लिए हम प्रोग्राम ही बना रहे हैं कि कितने बार 1 आया है, कितनी बार 2 आया है। तो 1 by 1 हम कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कर लेते हैं, द डिजिट यहाँ पे किसके लिए हम बना रहे हैं, 1 के लिए, ठीक है। तो 1 को सिंगल कोट के अंदर कर देते हैं, 1 अपीयर्स, और यहाँ पे क्या काउंट टाइम्स इन नंबर, और नंबर कौन सा था, नंबर बता देते हैं कि आपका जो नंबर था वो कौन सा नंबर है, ये नंबर है, ठीक। कंट्रोल के डी, देखिए ये तो हो गया एक तरीका, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसको कई तरीके से कर सकते हैं जो कि हम अभी देखेंगे, ठीक है। देखिए,
अगर हम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, F9 करते हैं और इसको हम रन करते हैं, ठीक है। ये अक्सर छोटे छोटे क्वेश्चन प्रोग्राम क्या होते हैं इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस करना। फ्रेशर लेवल पे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो भी बिजनेस लॉजिक बिल्ड होती है, जो भी हमारे लॉजिक बनते हैं, वो छोटे छोटे प्रोग्रामों के कम्बिनेशन से ही बनते हैं। एक बार अगर कोई सोचेगा कि हम प्रोग्रामर बन जाए, हम डेवलपर बन जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो छोटे छोटे प्रोग्राम हम करेंगे तो हमारा माइंड थोड़ा सा ग्रो करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन एक मैसेज प्रिंट किया, ठीक है, कंसोल विंडो में इंटर द नंबर, ठीक है, हम कोई भी नंबर इंटर कर देते हैं, ठीक है, अब एंटर करते हैं, ठीक। अब नंबर हमारे पास आ गया। अब ये देखिए ये किस फॉर्मेट में है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इंट काउंट इक्वल टू अभी 0 है। अब ये नंबर नंबर में से इसने वन, ये 1 बाय 1 क्या निकालेगा, नंबर निकालेगा, ये कंपेयर कराएगा डिजिट से, ठीक है। तो अब जैसे ही 1 इक्वल टू 1 होगा तो ये काउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी यही प्रक्रिया लूपिंग में चलती रहेगी, यानी जब तक कि हमारे नंबर की लेंथ खत्म नहीं हो जाती। अब देखिए डिजिट में क्या था, 2 था, तो अब यहाँ पे 2 नहीं काउंट, इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो यही प्रक्रिया 1 बाय 1 चलती रहेगी जब तक कि हमारे पास नंबर की लेंथ खत्म नहीं हो जाती, नंबर में डिजिट खत्म नहीं हो जाते, ठीक है। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, तो द नंबर द डिजिट वंस अपीयर 8 टाइम्स इन द नंबर। अब हम काउंट करते हैं 1, देखिए इसमें कितनी बार आया है, 1, 3, 4, 1, 5, और 2, 7 और 1, 8 बार आया है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला तरीका, ठीक है। अब दूसरा तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, तो देखिए दूसरा तरीका इससे भी आसान है, ठीक है। इसको हम कमेंट करते हैं कंट्रोल के सी, और जो दूसरा तरीका देखिए कमाल का तरीका है, किसके थ्रू हम करते हैं, लिंक क्यू के थ्रू। आपको पता होगा कि लिंक क्यू का यूज कब किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से डेटा को गेट करने के लिए, डेटा के साथ ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, लिंक क्यू का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिंक क्यू के थ्रू काउंट निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं, ठीक है। नंबर हमारे पास आ चुका है, काउंट नाम का हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे काउंट इक्वल टू, अब देखिए नंबर डॉट काउंट काउंट, अब देखिए ये लिंक क्यू है, ठीक है। तो इसको ये हमें क्या करना पड़ेगा, यूजिंग सिस्टम डॉट लिंक क्यू नेम स्पेस इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सी लैम्डा एक्सप्रेशन सी इक्वल्स इक्वल्स किसके इक्वल टू 1, ठीक है। अगर ये 1 होगा तो ये क्या करेगा, काउंट रिटर्न करेगा। देखिए तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कोड ऑप्टिमाइज हो गया, ठीक है। क्या हो गया, कोड ऑप्टिमाइज हो गया। यहाँ पे हम 4 लाइन में जो लिखे थे ये हमें क्या कर दिया, 1 लाइन में रन कर दिया, ठीक है। देखिए F10 करते हैं, यूजर को मैसेज प्रिंट होगा और यूजर नंबर इंटर करेगा, ठीक है। इसमें 3 बार 1 आ रहा है, ठीक है। काउंट अब देखिए नंबर हमने इंटर किया है 12, 141, और काउंट अभी 0 है, ठीक है। अब देखिए इसमें काउंट हमारे पास रिटर्न हो चुका है 3, ठीक है। तो इस 4 लाइन के कोड को हमने क्या किया, 1 लाइन में कर दिया, किसके थ्रू, लिंक क्यू के थ्रू। लिंक क्यू में काउंट नाम का जो फंक्शन है तो उसके थ्रू हमने क्या किया, इजीली काउंट निकाल लिया, ठीक है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे तरीके हैं तो उसके थ्रू हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम यूजर से पूछ सकते हैं कि आप किस नंबर का काउंट जानना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स जो आप लोगों का टास्क होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजर से नंबर एंटर करवाएंगे। किसके लिए, हम पूछेंगे कि वो किस नंबर को बार बार रिपीट होने के काउंट करवाना चाहता है। मतलब वो ये हमें अभी हम क्या दे रहे थे, स्टैटिक दे रहे थे, लेकिन इस नंबर को हमें डायनेमिक करने के लिए यूजर से इनपुट लेंगे। जैसे हम यहाँ पे यूजर से नंबर इनपुट ले रहे हैं, उसी प्रकार से हम यहाँ पे यूजर से नंबर इनपुट लेंगे और पूछेंगे कि आप किस नंबर का रिपीटेंसी जानना चाहते हैं, वो नंबर बताइए, और नंबर हम वहां पे डालेंगे और उसके थ्रू आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए टास्क रहेगा।
सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि इस प्रोग्राम को मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट्स नहीं आना चाहिए। यदि आप किसी ऐसे प्रोग्राम के बारे में एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि इसका फ्लो कैसे होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। सो थैंक यू।